हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक और शानदार वीडियो लेकर आगे, जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चांद पर पानी, न सोना न चांदी न टाइटेनियम न हीलियम। बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि चांद पर ये है, चांद पर वो है, चांद पर न जाने क्या क्या है ऐसा है जो धरती पर ऑयल क्राइसिस को खत्म कर देगा। हीलियम 3 के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी चीज है जिससे धरती पर सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसे रेप्लिकेट किया जा सकता है और उतनी ही एनर्जी निकाली जा सकती है जिससे सैकड़ों सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना एक बूंद तेल जलाए, बिना किसी पॉल्यूशन के पूरी दुनिया को चलाया जा सकता है, ये कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे चंद्रमा पर, ऐसी चीजें जिसके बारे में ना हमने सुना है और जिनके बारे में सुना भी है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा स्कूलों में, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे कीमती और सबसे कम पाए जाने वाले रेयर एलिमेंट हैं, वो भी बहुतायत में चंद्रमा पर मिल सकते हैं। ऐसी दुहाइयां दी जाती है कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की तारीख में अगर अमेरिका कुछ खोजना चाहता है, रशिया कुछ खोजना चाहता है, चाइना कुछ खोजना चाहता है, भारत कुछ पाना चाहता है, तो वो एक झलक है पानी की, चंद्रमा के पानी की। चंद्रमा का पानी अगर मिला तो कैसा होगा, ये एक अलग ही वीडियो के लिए टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। पर अभी सारी सुपर पावर कंट्रीज, एटलीस्ट जो स्पेस सुपर पावर्स हैं, वो लगी हुई हैं नेक टू नेक फाइट में, कौन पहले साउथ पोल पर पहुंचेगा, कौन पहले वहां पानी की खोज करेगा। लेकिन सब अपने अपने वक्तव्यों में, अपने अपने बयानों में कहते हैं कि पानी मिलने की आशंका, पानी की तलाश करेगा। अभी तक हाथ में पानी किसी के नहीं आया, लेकिन अगर पानी मिला तो चंद्रमा के इन्हीं गड्ढों में मिलेगा, इन्हीं क्रेटर्स में मिलेगा, जिन्हें नासा के वैज्ञानिकों ने नाम दिया है परमानेंटली शैडोड रीजन्स, PSRs। ये वो गड्ढे हैं दोस्तों जो चंद्रमा की उत्पत्ति के वक्त, जब चंद्रमा बन रहा था और उसकी जो सरफेस थी वो ऑलमोस्ट एकदम बोलना चाहिए कि वोलेटाइल थी, उसके ऊपर गर्म लावा तैर रहा था, तब उस समय जो उल्कापिंडों की बारिश हुई, जो एस्टेरॉइड्स टकराए, उस वक्त की धरती भी बेहद अजीब हुई होगी दोस्तों, बेहद खतरनाक था उस वक्त का एनवायरनमेंट, धरती भी पनप रही थी, इधर चंद्रमा अपना शेप ले रहा था, ब्रह्मांड में उथल पुथल, एटलीस्ट हमारे पार्ट ऑफ ब्रह्मांड यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में लगातार तबाही मची हुई थी। उस वक्त के ही ये दाग हैं चंद्रमा के ऊपर जो पड़े, क्योंकि अगर लगातार उसमें एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइड्स टकराते रहते तो आज भी हम उनके दृश्य देख पाते, आज भी हम देखते कि 2020 में इतने एस्टेरॉइड टकराए, इतने बड़े बड़े कॉमेट्स टकराए, अब वो घटनाएं थोड़ी कम हो चली। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमेटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक, तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हम सफर। लेकिन हाँ, चंद्रमा हमेशा से ही एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों, अलग अलग प्रकार की आवारा घूम रहे अंतरिक्षीय पिंडों का निशाना हमेशा से रहा है, क्योंकि उसके पास एटमॉस्फियर नहीं है, वायुमंडल नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से कोई भी अंतरिक्षीय पिंड जब उसकी तरफ बढ़ता है तो उसका एटमॉस्फियर बीच में है ही नहीं, सीधा टकराता है उसकी जमीन से और जोरदार वहां पर धमाका होता है, एक बहुत बड़ा एक इंपैक्ट क्रिएटर बन जाता है जिन्हें हम गड्ढे कहते हैं। अब ये गड्ढे जो बने हुए हैं, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसे कई सारे गड्ढे हैं जिनमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चंद्रमा पर हवा नहीं है, या कह सकते हैं एकदम झीनी सी वायुमंडल की एक परत है जिसे समझ लीजिए ना ही कहा जाएगा, ना के बराबर है वहां पर, क्योंकि थोड़े से वायुमंडल की झलक चंद्रयान 1 ने देखी थी। वो कैसे देखी थी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो कुल मिलाकर चंद्रमा की सतह में ज्यादा वहां पर गैसें नहीं है, हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो इसे कहा जाता है वैक्यूम। जी हाँ दोस्तों, वहां पर पूरी तरीके से वैक्यूम है। वैक्यूम अगर कहीं पर है तो उस स्थिति में अगर वहां पर पानी मौजूद होगा, ऐसी जगह पर मौजूद होगा जहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो सूरज की रोशनी पानी को गर्म करेगी, उसे भाप बनाएगी, भाप बनने के बाद क्योंकि वैक्यूम है वो तुरंत पूरी तरीके से इवैक्यूएट कर जाएगा, चंद्रमा की सरफेस को एस्केप कर जाएगा और अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, धूप जैसी पड़ेगी भाप बनेगा, भाप बन के वो एस्केप कर जाएगा अंतरिक्ष में, क्योंकि एक तो ग्रेविटी भी कम है, दूसरा भाप बनने के बाद वहां, ये हम सब जानते हैं कि कभी भी जो विंड्स होती हैं, हवाएं जो होती वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, जहां ज्यादा डेंसिटी है वहां से कम डेंसिटी की तरफ जाती हैं, ये रूल फिजिक्स का हम सब जानते हैं। तो जहां पर पूरी तरीके से वैक्यूम है वहां जरा सा भी गैस मिला तो सीधा एस्केप कर जाएगा, निकल जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ और सीधा अंतरिक्ष में गायब, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो पानी अगर थियोरेटिकली पूछा जाए पेपर पे, तो जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वहां रहना बेहद मुश्किल है, नहीं रह सकता वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह कि चंद्रमा पर जो तापमान का वेरिएशन होता है वो बेहद खतरनाक है। हमने रेगिस्तानों के वेरिएशन के बारे में सुना है, दिन आग से तपते तवे की तरह होते हैं वहां, वहां के रेत जो है, और रात बेहद सर्द, उससे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस मिलती हैं चंद्रमा की सरफेस पर, क्योंकि जब वहां धूप निकलता है, धूप पड़ती तो वहां पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। तो जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां पर तेज गर्मी, जहां नहीं पड़ती है वहां ठंडी हो जाती है पूरी तरीके से। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो धूमकेतु, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड होते हैं उनके अंदर पानी पाया जाता है और वो आके यहां पर टकराए, तो जो इक्वेडर के इलाके में टकराए जहां पर ज्यादातर चंद्रयान उतरे अलग अलग देशों के, वहां पर गड्ढे तो बने लेकिन वहां पर धूप पहुंचती है तो वहां का पानी उड़ गया होगा। ये बताया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे कॉमेट्स हैं, ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, जिनमें पानी रहता है, और ये अगर चंद्रमा से टकराए हैं साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहां पर जो सूरज है वो पूरी तरीके से सर के ऊपर कभी भी नहीं आता, हमेशा लंबी परछाइयां बनती हैं, हमेशा जैसे सुबह होती तो हम देखते हैं सूरज उगता है तो जैसे रहता है वैसा पूरे दिन भर रहता है, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ता। ऐसी अवस्था में जो गहरी जगह है वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, और जैसे कि हमने आपको बताया जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहां -180 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर पानी किसी धूमकेतु, किसी उल्कापिंड, किसी एस्ट्रॉइड के माध्यम से आया होगा, अंदर घुसा होगा और तुरंत फ्रीज हो गया होगा और वहां से वो उड़ नहीं पाया होगा भाप बनकर, और यहीं पर पानी मिलेगा ऐसा सबका मानना है और इसी की रेस चल रही है। सवाल यह है कि इन गड्ढों में अपने यान भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन सा ऐसा देश होगा जो इन गड्ढों में उतरेगा और वहां से पानी निकालेगा, क्योंकि आज तक जितने भी यान आए हैं सब ऊपर ही ऊपर सतह में घूम रहे हैं, इवन उनके जो लैंडिंग सिस्टम है वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो इन गड्ढों को अवॉइड करें, तो ऐसे में कैसे माने कि कोई पानी खोज भी पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है चंद्रमा पर। देखिए, सबसे पहले चंद्रयान 1 में और उसके पहले कई सारे मिशन्स भेजे गए थे, चाहे रूसी मिशन्स हो लूना के, चाहे अपोलो मिशन्स हो, चाहे उसके बाद लूनर रिकनेसेंस मिशन्स हो अमेरिका के, सब ने हाइड्रोजन है, ये है, वो है, दूर दूर की चीजें बताई। लेकिन 2008 में इंडिया ने जो चंद्रयान 1 भेजा उसके अंदर 2-3 इंस्ट्रूमेंट लगे थे, कुछ नासा के थे, कुछ भारत के द्वारा बनाए गए थे। उसमें से चेज नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सबसे बेहतरी के साथ में बताया कि यहां पानी मौजूद है। उसके बाद फिर 2008 के बाद में नासा ने लगातार मिशन पे मिशन भेजे, लूनर रिकनेसेंस मिशन, एल क्रॉस मिशन, इंपैक्ट प्रोब्स भेजे जो जाकर के टकराते उसमें चंद्रमा की सरफेस से, उसके क्रेटर से, और वहां से जो गुबार उठता उसे स्टडी किया जाता दूसरे यान को तुरंत भेज करके, और उसमें समझा जाता कि उसके अंदर क्या है। तो वहां पर हाइड्रोक्सिल एटम्स की मौजूदगी महसूस की गई, ऐसी पूरी संभावना जता दी गई है। और उसके बाद अब ये एक के बाद एक मिशन चल रहे हैं, देखना ही होगा कि कौन सा देश वो पहला होगा जो सीधे अपने इंस्ट्रूमेंट से सीधा टेस्ट करके बता देगा ये रहा पानी और इतना पानी है। बताया तो बहुत कुछ जाता है, कैलकुलेशंस भी कर लिए गए हैं कि 5 ट्रिलियन जो है लीटर वहां पर पानी होने की संभावना है, पर एक्चुअल में पानी अभी तक वहां देखा नहीं गया, एक्चुअल में वहां बर्फ का H2O अभी तक मिल नहीं पाया। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार चंद्रयान 3 को मिलेगा? अपने जो भी राय है, अपने जो भी विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जितना हो सके तो दोस्तों, ये वीडियो थी चंद्रयान 3 और नॉलेज टीवी की। इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और इन्होंने जो भी अभी तक इसके बारे में प्रेडिक्शन किया, वैसे इन्होंने चंद्रयान 3 को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, सारी की सारी न्यूज़ें, छोटी छोटी न्यूज़ें भी पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं और हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं इनकी वीडियोज़ देख देख के बहुत ज़्यादा इस्तफ़ादा हासिल करता हूँ। मेरे मुँह से अल्फाज़ नहीं निकलना, खैर इसकी इंग्लिश में बोल देता हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट्स हासिल करता हूँ। बहरहाल चंद्रयान 1 और 2 वो तो चलो चले गए और उन्होंने अपना काम भी कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, पर ये जो चंद्रयान 3 आया है ना, इसने तो कमाल करना है। अभी वहाँ पे पानी दरियाफ्त करके रहना है, क्योंकि पानी वहाँ पे, इसके बारे में बहुत पेशेंट गोइयाँ की गई हैं कि पानी वहाँ पे मौजूद है,
और पानी वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इस टाइम भी अमेरिका, चाइना, रशिया सभी इसके ऊपर नज़र डाल के बैठे हैं कि भाई क्या होने वाला है। तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।